उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए घर से निकली छात्रा एक अध्यापक के लिए आफत बन गई। आपको बता दें कि सुबह 8 छात्रा एक अध्यापक सहित 11 लोग एक बेलोरो जीप से इटावा थाना के गिरधरपुर विद्यालय में एग्जाम देने के लिए निकले थे। ये लोग रास्ते में इटावा थाने के संग्रामपुर गाँव के पास पहुँचे थे कि बेलोरो जीप के सामने एक सियार जानवर आ गया। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिया जिससे गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बोलेरो जीप में सवार एक छात्र और एक अध्यापक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा और मृतक छात्रा व अध्यापक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंभीर रूप से घायल छात्राओं को इलाज के लिए गोरखपुर और बस्ती भेज दिया गया। गोरखपुर भेजे गए घायल छात्राओं में एक छात्रा की गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संवाददाता धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। गाड़ी पलट गई। हाँ, दो तीन चार चक्कर पलट गए गाड़ी में। 11 हुआ, वहाँ से हमारे पास किसी ने फोन किया कि गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हो गई, जो पेपर देने जा रही थी बच्चियाँ। इसके बाद हम लोग चले, यहाँ पहुँचे तो अस्पताल में हम लोग मिले, वहाँ वो एक्सपायर थी। पाए का पेपर देने जा रही थी, गणित का परीक्षा। 5 लड़की थी और एक ड्राइवर था, 2 मास्टर थे। अब हमारे सामने तो यही 2 खत्म हुए, एक मास्टर एक मेरी लड़की, बाकी को अस्पताल से रेफर कर दिया गया। अब आगे क्या होता है तो मालूम नहीं है।